हड़ताल करने का शौक नहीं है और ना ही आपके किसी कोठी बंगले की हम चाहना करते। ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर अपने मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है और ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि गांव का सफाई कर्मचारी को पिछले 17 वर्ष हो गए काम करते करते, लेकिन भाजपा की सरकार, जेजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार अभी तक भी कोई पॉलिसी नहीं बनाई है कि सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और हम ये कहते हैं जब तक आप लोग कोई पॉलिसी ना बनाए, एक महीना ले लो, दो महीना कर लो, छह महीना कर लो, तब तक हमें जीने लायक वेतन 26,000 न्यूनतम वेतन हमें चाहिए। दूसरा, गांव के कर्मचारियों के साथ जो हाजिरी को लेकर भारी शोषण किया जा रहा है, बेगार ली जा रही है, ये लड़ाई शोषण के खिलाफ और बेगार के खिलाफ है। इसलिए हम ये कहते हैं अपने मांग पत्र के जरिए से, गांव के अंदर भी जो हमारे पढ़े लिखे सफाई कर्मचारी हैं उनको भी सुपरवाइजर लगाया जाए हमारे ऊपर, ताकि शोषण से हमें मुक्ति मिल सके। आप देखोगे पिछले 17 वर्षों से गांव के सफाई कर्मचारियों का भर्ती करने का जो पैमाना है वो 2000 की आबादी पर एक ही आदमी अटका हुआ है, बस उससे अभी तक कोई अदला बदल नहीं हुई है। सरकार ये समझती है कि एक सफाई कर्मचारी 2000 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त करके कौन सा कोई बड़ा तीर मार दिया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि भाई कट्टर साहब एक बार ये तो देख ले, पिछले 17 वर्षों से लेकर आज तक क्या गांव की जनसंख्या नहीं बढ़ी, कॉलोनियां नहीं बढ़ी? बहुत सारी कॉलोनियां बढ़ी है, आबादी बढ़ी है। आबादी के हिसाब से 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाना चाहिए, लेकिन भाजपा की निकम्मी सरकार ये बिल्कुल भी नहीं समझ रही। अभी जो घोषणा करी है उस घोषणा में तीन बातें मांगी है, 1,000 रुपये न्यूनतम वेतन बढ़ाया है, 2,000 रुपये औजारों का भत्ता, जबकि हमारी मांग कितनी थी 6,000 रुपया, और 1,000 रुपया धुलाई भत्ता। और जो चौथी मांग करी है कौन सी भाई, जिस गांव के अंदर 6 आदमी होंगे काम करने वाले वहां 8 कर दिए जाएंगे, और जहां 8 कर्मचारी होंगे काम करने वाले वहां 10 कर दिए जाएंगे। हम ये पूछते हैं जो आपने ये आंकड़ा लगाया है, आप 2000 का आंकड़ा कम करो, ये कौन सा तरीका से आप भर्ती करोगे, कौन सा तरीके से आदमी को लगाया जाएगा, ये बिल्कुल तरीका बिल्कुल गलत है और हमारा शोषण है इसे एक वक्त एक तरह से। इसलिए हम कहते हैं कि गांव के सफाई कर्मचारी को जो शोषण आपकी घोषणा से बहुत बड़ा शोषण जो किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। आपने कहा था कि भाई जो 2014 से पहले कि भाई गांव के सफाई कर्मचारियों को हम 15,000 देंगे, पक्के करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे साल के अंदर, कहां गए आपके वादे? ये झूठे ढकोसले जो बनाकर जो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, आज हम भाजपा के विधायक के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कल रात को साथी मीडिया के साथ ही आ रहे थे, बोला जी विधायक साहब की थोड़ी सी ये कह दो भाई, हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार है, हमारी बातों को करेंगे। भाई क्यों कहते भाई, आप लोग हो गए विधायक का चमचे, हम बिल्कुल भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमने मना कर दिया। क्यों कह दे भाई, अगर हमसे किवारे हो भाजपा के जो विधायक है उनसे ये तो बोलो, कम से कम अपने मंत्री से तो जाके बोले, ये लोग पिछले 24 दिन से बैठे हैं धरना लगाकर, भाई इनकी मांगों को क्यों नहीं मंजूर किया जा रहा? विधानसभा के अंदर 90 MLA हैं, 90 विधायक हैं, 90 में से 17 लोग, 17 विधायक दलित समाज के हैं, इनको शर्म नहीं आनी चाहिए थोड़ी बात? जब वोट लेने का टाइम आता हम अपने भाई बताते, बिरादरी का बताते, समाज का बताते, और वोट लेने के बाद जब सत्ता में आ जाते यही निकम्मे लोग एक बार भी ये नहीं सोचते कि भाई सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, भाई हाँ भाई इनकी जायज मांगे हैं और विधानसभा में बात को उठाया जाए। लेकिन ये लोग तो सत्ता पाने के लिए लोगों का शोषण करते हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि बीजेपी सरकार किसका विकास कर रही है और किसका वो कर रही है, क्योंकि विकास हो रहा है पूंजीपतियों का। इस सत्ताधारी सरकार के अंदर
पूंजीपतियों का विकास हो रहा है, ना कि किसी गरीब मजदूर कर्मचारी का कोई कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए साथियों, आप लोगों से हम कह रहे हैं कि हमारे तयशुदा कार्यक्रम थे, वो तयशुदा कार्यक्रम के लिए मैं फिर दोबारा से पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को क्रांतिकारी बधाई देता हूँ। पूरी रात रोडों पर बैठकर खाना पकाया, खाना खाया और ये पूरे मुस्तैदी के साथ अपने धरना प्रदर्शन बैठे। साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसलिए साथियों, एक बात और, हमने जो घोषणा करी थी, आज 3 नवंबर है, 3 नवंबर को जो हमने घोषणा करी, हमारी हड़ताल आज पूरी मुस्तैदी के साथ जारी है। इसके बाद हमने 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को करनाल के अधिकार रैली के अंदर हमने कहा था कि 24 घंटे का पड़ाव पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के वहां लगाएंगे। वहां हमारे साथी बहुत सारी संख्या में गए और वहां अपना धरना प्रदर्शन किया, लेकिन निकम्मा देवेंद्र बबली, हम तो भाई निकम्मा कहेंगे, जो लोग जिसके दरवाजे पर जाते हैं और वो घर छोड़ के भाग जाता है, उससे बड़ा निकम्मा कौन होगा। भाजपा का जो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली अपने दरवाजे पर से भाग गया, अपने भाई को छोड़ गया, उसका पीए जो वहाँ था उसने बात करने की कोशिश करी, तो रात को उनकी कोई बात हुई होगी, तो क्या कहा उसने, बोला 8 तारीख का टाइम दे रखा है मिलने का चंडीगढ़ के अंदर, 8 तारीख को बात कर लेंगे। भाई तेरी जो 8 तारीख की जो चिट्ठी तुमने करनाल में दी थी ना बात करने की, वो आपकी मनसा हम बिल्कुल उसी टाइम भाप चुके थे जो चिट्ठी दी थी। ये चिट्ठी जानबूझ के 8 तारीख को दी गई। यो क्यों दी गई कि भाई कोई मंत्री जी कोई ना कोई घोषणा कर देंगे और ये लोग चुपचाप उस घोषणा से शांत होकर अपने अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ग्रामीण सफाई कर्मचारी शांत होने वाला नहीं है। पिछले 17 वर्षों से आज तक यो बेगार का शोषण का शिकार होता आ रहा है, अब चुप्पी साधने वाले नहीं है हम लोग। इसलिए हमने कहा कि चलो, जो हमारा जो नाजायज तरीके से मुख्यमंत्री जी ने जो गलत तरीके से एक तरफा जो घोषणा करी है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में भारी रोष है, गुस्सा है। समय रहते हुए हम तो ये कहते हैं कि समय रहते हुए इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं हरियाणा सरकार को कि समय रहते हुए अभी भी समय है आपके पास, गांव ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के मांग मुद्दों को पूरा करो, टेबल पर बैठ कर बातचीत करो। ये जो धरना प्रदर्शन जो चल रहे हैं इनको बंद किया जाए, क्योंकि मांग मुद्दे जब तक टेबल पर बैठ के बातचीत नहीं होगी, कैसे समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार सत्ता के घमंड में ये भूल चुकी है कि आने वाला जो तुम्हारा जो समय है 2024 का, इसी मजदूर जो रोडों पर बैठे हैं इन्हीं से आपको वोट लेना है, ना कि कोई पूंजीपति आपको वोट देगा। ये मजदूर, छात्र, कर्मचारी वर्ग के जो लोग, यही इन्हीं लोगों से आप सत्ता के अंदर बैठते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि आज हमारा जो 2 दिवसीय जो पड़ाव था, जो 24 घंटे का पड़ा 2 नवंबर 3 नवंबर को था, वो भी हमारा पूरे प्रदेश के अंदर बिल्कुल कामयाबी के साथ हम बैठे हैं और मुस्तैदी के साथ हम बैठे थे अपने मांग मुद्दों को लेकर। पूरे प्रदेश में हमारी हड़ताल, हम सफल हड़ताल के लिए सभी पूरे प्रदेश के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि सभी साथी एकजुट होकर गाँव घूमकर जनल बनाकर सभी कर्मचारी को एक साथ एकजुट लेकर आए हैं। और जो चमचे थे सरकार के खरगोश, जिनों की वजह से ये घोषणा की थी सरकार ने, उन खरगोशों से हम कहना चाहते हैं कि जो आप आने वाले समय के लिए जो मुख्यमंत्री की चाटुदागिरी करते हैं और सफाई कर्मचारियों के लिए, अपने समाज के लिए जो इन्होंने बेकड़े का काम करते हैं, इस बेकड़े के काम को बंद किया जाए, यानी आप सोच रहे हैं जो सत्ता में आने के लिए, आपको दोबारा अपने जिले में भी नहीं घुसने देंगे। हम ये स्पेशल ये बात कृष्ण कुमार इंजीनियर से बोल रहे हैं, क्योंकि 19 अगस्त को जब डायरेक्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, उसने हमसे कहा था कि आप चिंता ना करो, 25,000 की बात मैंने मुख्यमंत्री जी से कर रखी है, आने वाले वाल्मीकि जयंती के समय में आपके 25,000 की बात को पूरा किया जाएगा, मेरी बातचीत हो रही है। लेकिन निकम्मे ने क्या किया, कम से उसने 1,000 रुपये की घोषणा, आप वीडियो देखोगे, उसकी वीडियो जारी हो रही है, वीडियो में क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, बोले ये तो हमारा मुख्यमंत्री से पहले 3 महीने पहले बातचीत हो रही थी, यानी कि सोची समझी साजिश। कृष्ण कुमार इंजीनियर, कृष्ण कुमार बेदी जो हमारे समाज के नेता हैं, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। इसलिए हमारे समाज के लोग जो नेता में, जो सत्ता में बैठे, उनको हमारी बातों को उठाना चाहिए, और जब वो लोग नहीं उठाएंगे फिर कौन उठाएगा। इसलिए मेरे भाई, दुश्मन है हमारे लोग भी, जो हमारे जो सत्ताधारी में जो बैठे, हमारे विधायक जो बैठे,
वो हमारी वोट को लेते हैं और हमारी वोट को लेकर सत्ता में आते हैं। इसलिए साथियों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे हरियाणा के अंदर सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी लामबंद हो गए। बहन जी बात मत करो, दोनों बात करी पीछे। हमारे पास इतना समय नहीं है, बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर जाना है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप लोग एकत्रित होकर, और हम ये बात आपसे एक अनाउंस बात आपके मंच के माध्यम से करना चाहते हैं। हम आपके बीच में क्यों आए हैं? राज्य कमेटी की बैठक हमने कर लिया, ऑनलाइन बैठक करी है, दो दिन फिर ऑफलाइन बैठक करी हमने रोहतक के अंदर। हम ये पूछ रहे हैं, हमने कहा था कॉमरेड जी से, कॉमरेड जी एक बार कर्मचारियों को बीच में जाके ये भी तो पूछे, भाई आप लोग हड़ताल आगे बढ़ाना चाहते हो नहीं बढ़ाना चाहते? जरा हाथ खड़े करो जी, सच्चे धर्म ईमान से बताना कि सरकार की ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हो। बिल्कुल ठीक। तो साथियों आप लोग, आज 3 नवंबर है, आने वाली जो हड़ताल हमारी 8 तारीख को जो भी घोषणा, जो भी बातचीत होगी पंचायत मंत्री के साथ चंडीगढ़ के अंदर, वो तो आने वाली 8 तारीख तय करेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम ये आपके इस मंच के माध्यम से ऐलान कर रहे हैं, आज से ये हड़ताल हमारी 10 तारीख तक लागू की जाएगी, 10 तारीख तक ही घोषणा कर दी। इसलिए 10 तारीख तक आप अपने जिलों के अंदर, ब्लॉकों के अंदर बैठे रहे, और आने वाला समय, क्योंकि ये लड़ाई हमारी बहुत लंबी चलेगी, आप इस लड़ाई को हल्के में मत लेना, ये लड़ाई लंबी चलेगी। कभी ये सोचेंगे प्रधान जी ने मरवा दिया, भाई जिसमें भाई टर्मिनेशन भी होता है, नौकरी भी जाती है, और जब यूनियन लड़ती है तो सारा कुछ वापसी भी होता है सरकार से लड़की ना, ये तो डरावा देती है सरकार। आपने देखा था कि 73 दिन जो आशा वर्करों की हड़ताल जो चली थी, आशा वर्करों की हड़ताल ने ये साबित कर दिया कि मजदूर वर्ग कभी नहीं हारता, मजदूर वर्ग अपने हकों के लिए लड़ता है तो वो हासिल भी करना जानता है। इसलिए मैं आशा वर्करों के जज्बे को भी सलाम करते हुए तमाम साथियों से अपील करता हूँ कि साथियों, क्योंकि मुझे दूर जाना है, इसलिए मैं 2-3 नारों के साथ अपनी बातों को विराम करूंगा, और इसके साथ साथ पानी से नहाने से लिबास बदलते हैं, पानी के नहाने से लिबास बदलते हैं, जो पसीनों से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। इसलिए साथियों आज हम जो बैठे हैं ना, ये पानी से नहाने वाले नहीं है, हम पसीनों से नहाने वाले हैं, क्योंकि हम जब झाड़ू चलती है रोड पर, जब मेहनत का काम करते हैं, सफाई काम करते हैं, तो चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है, इसलिए हम पसीने से नहाते हैं। हम ही सरकार को बदलते हैं और हम ही सरकार को बनाते हैं, इसलिए हमें आने वाले 2024 के अंदर इतिहास को बदलना है और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकना, अगर हमारी मांग पूरी करो। इसलिए साथियों मेरे चंद नारों के साथ, इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 पट्टन मुर्दाबाद, 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 1000 में कम नहीं, 26000 से कम नहीं, 1000 में कम नहीं, 26000 से कम नहीं, आवाज दो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, 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 पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मुर्दाबाद, 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 सीएम दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।